बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कराची एयरपोर्ट के पुराने टर्मिनल से एक मुसाफिर बाहर निकला। उसके पास सामान से भरी हुई दो ट्रॉलियां थीं। उम्र के लिहाज से वो 40 के लगभग होगा। जो ही वो एयरपोर्ट से बाहर निकला, एक शख्स जो उसी की उम्र का होगा, छोटी छोटी दाढ़ी थी, वो भागकर उसे लिपट गया। दोनों थोड़ी देर तक एक दूसरे से लिपटे रहे। फिर जो शख्स इस्तकबाल करने आया था, वो एयरपोर्ट से निकलने वाले को मुखातिब करके कहने लगा, राशिद मेरे भाई, तुमने मुझे परेशान कर दिया था। जिस वक्त तुमने मुझे जर्मनी से फोन रेलवे की सीट बुक करवाने के लिए कहा, तो मैं परेशान हो गया। तुम्हें चाहिए था वहीं से तुम डायरेक्ट लाहौर चले जाते। कराची आकर रेलवे के जरिए जाने की क्या जरूरत पड़ गई थी। इस पर आने वाला मुसाफिर, जिसका नाम राशिद लिया गया था, थोड़ी देर तक मुस्कुराता रहा, फिर अपने दोस्त को जो इस्तकबाल करने के लिए आया था, उसे धीमी सी आवाज में मुखातिब करके कहने लगा, दरअसल जर्मनी में मेरे साथ एक और पाकिस्तानी काम कर रहा है। वो मुल्तान का रहने वाला है। उसने अपने घर कुछ सामान भिजवाना है। मुल्तान रेलवे स्टेशन पर वो मुझसे सामान ले लेंगे। उसने मेरे हाथ में अपना कुछ सामान भिजवाया था, इसीलिए मेरा रेल से जाना बहुत ज़रूरी है, वरना मैं जर्मनी ही से डायरेक्ट फ्लाइट से लाहौर चला जाता। इसी बिना पर मैंने तुम्हें जहमत दी है, मैं रेल से जाऊँगा। रास्ते में स्टेशन पर वो लोग आएंगे जिन्हें मैंने सामान देना है। इनमें से एक दो को मैं पहले से ही जानता हूँ, इसीलिए सामान देने में मुझे किसी किस्म की कोई दुश्वारी भी नहीं होगी। अब तुम बताओ कि तुम मेरी सीट का क्या कर रहे हो। वो हो गई है, इस्तकबाल के लिए आने वाला कहने लगा, देखो मेरे अजीज दोस्त, मेरे भाई, तेरी फ्लाइट बहुत अच्छे वक्त पर आई है। अभी 5:30 बजे हैं। तेरी सीट मैंने अवामी लोअर एसी में करवा दी है। अवामी यहाँ से 7 बजे के लगभग चलती है। रेलवे स्टेशन पहुँचने में तुम्हारे पास 1.5 घंटा है, लिहाजा तुम बआसानी पहुँच सकते हो। अगर कहो तो मैं भी तुम्हारे साथ रेलवे स्टेशन चलता हूँ। इस पर राशिद ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहना शुरू किया, नहीं मेरे भाई, तुम घर जा, तुमने दफ्तर जाने के लिए भी तैयारी करनी होगी। सवेरे मुंह ही तुम मेरे इस्तकबाल के लिए आ गए हो। देखो वापस जाने की इजाज़त दो, मेरा रेलवे टिकट तो मुझे दे दो। इस्तकबाल के लिए आने वाला मुस्कुरा दिया और कहने लगा, जिस काउंटर पर प्लेटफॉर्म के टिकट मिलते हैं वहाँ चले जाना, मेरा नाम लेना, वो तुम्हें तुम्हारा टिकट दे देंगे। फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो मेरा अजीज है। इसके बाद दोनों बाहर आए, ट्रॉलियों से सामान टैक्सी की डिक्की और अंदर की सीटों पर मुंतकिल किया। दोनों एक बार फिर गले मिले और उसके बाद टैक्सी राशिद को लेकर एयरपोर्ट से कैंट रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो गई। टैक्सी जो ही कैंट रेलवे स्टेशन के सामने आकर रुकी, उसने दो कुलियों से बात की, वो उसका सामान टैक्सी से निकालने लगे। सारा सामान निकालकर जिस वक्त सीढ़ियों पर रख दिया गया, उसने टैक्सी वाले को किराया दिया। उसके बाद कुलियों ने सामान उठाया और सीढ़ियाँ चलने लगे। एन उस वक्त जब कुली सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, सफ़ेद कपड़ों में मलबूस एक शख्स आया और उसे मुखातिब करते हुए कहने लगा, क्या आपका नाम राशिद है? राशिद ने उसकी तरफ चौंकते हुए देखा। वो उसका जानने वाला ना था। उसने यही ख्याल किया कि चूंकि वो बाहर से आया है, उसके पास सामान काफ़ी है, तो ये शख्स कहीं कोई धोखा देने वाला ना हो। तब उसने उसकी तरफ गौर से देखते हुए जवाब दिया, हाँ मेरा नाम ही राशिद है। जवाब में उस शख्स ने टिकट और स्लिप थमा दी। राशिद ने 5 टिकट थे और 1 स्लिप थी। राशिद ने जवाब तलब नजरों से आने वाले की तरफ देखते हुए कहा। आने वाला दोबारा बोल पड़ा, ये आप और आपकी फैमिली की टिकट है, आपकी फैमिली फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में आपके मंतजर है। जवाब में वो शख्स मुड़ा और चला गया। राशिद ने उसे बहुत कुछ पूछना चाहा, मगर उस शख्स ने मौका ही नहीं दिया। फिर देखते ही देखते उसकी निगाहों से लोगों की भीड़ और हुजूम भी गायब हो गया। बहरहाल राशिद तफक्कुरात और परेशानी में खो गया। पहले उसने टिकटों और उसके बाद स्लिप का जायजा लिया। स्लिप पर उसकी बीवी और 3 बच्चों के नाम लिखे थे, और उसकी बीवी और बच्चे आज से चंद साल पहले एक हादसे में तो हलाक हो चुके थे। उस सूरत हाल ने राशिद को फिक्रमंद कर दिया। आने वाले ने यह भी बताया था कि तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चे फर्स्ट क्लास की इंतजारगाह में तुम्हारे मुंतजर हैं। इस इंकशाफ ने उसके दिल के और उसके जहन पर परेशानियां ही परेशानियां भर दी। बहरहाल कुली चूंकि प्लेटफॉर्म में दाखिल हो चुका था, लिहाजा तेज तेज चलता हुआ वो इनके साथ जाकर शामिल हो गया। कुलियों ने सारा सामान प्लेटफॉर्म पर रख दिया। फिर एक कुली राशिद के करीब आया और उसे सीट और बोगी नंबर मांगे। इसके लिए उस वक्त तक अवामी प्लेटफॉर्म पर लग चुकी थी। राशिद ने टिकट और स्लिप उसे दिखा दी। दोनों कुलियों ने सामान गाड़ी में रखना शुरू कर दिया। जिस वक्त राशिद अपने सामान की निगरानी कर रहा था, अचानक वो चौंका, इसलिए कि अचानक पीछे से किसी ने उसका दामन खींचते हुए अपनी तरफ मुतवज्जे किया था और साथ ही उसे अब्बू कहकर पुकारा था। ये अल्फाज, ये तर्ज तखातब राशिद के लिए ना आशना और ना शनीदा सा हो चुका था। उस तखातब पर वो चौंका। उसने देखा एक इंतहाई खूबसूरत बच्चा
जो अपनी शक्ल सूरत से यूरोपियन लग रहा था, उसका दामन पकड़े खड़ा था, उसे बाप कहकर पुकार रहा था। उसे देखते ही राशिद दंग रह गया, इसीलिए कि वो उसका अपना बेटा था जो चंद साल पहले जर्मनी में अपनी माँ, अपने एक भाई और बहन के साथ फौत हो चुका था। राशिद की बीवी जर्मन थी, उसकी शादी जर्मन खातून से कैसे हुई ही एक तवील किस्सा था जो कुछ इस तरह है। दरअसल राशिद लाहौर कृष्ण नगर का रहने वाला था। ये दो जुड़वा भाई थे, एक का नाम रशीद और दूसरे का नाम राशिद था। उनका ताल्लुक इंतहाई गरीब और कसम पुरसी की हालत में ज़िंदगी बसर करने वाले ख़ानदान से था। उनकी 7 बहनें और ये 2 भाई थे। बाप बूढ़ा था और बड़ी मुश्किल से गुजर बसर होती थी। ये सूरत हाल देखते हुए किसी न किसी तरह उधार पैसे लेकर जर्मनी चला गया। वहाँ वो आटे की एक मिल में मजदूर की हैसियत से काम करने लगा। हालांकि वो रशीद ग्रेजुएट था, पढ़ा लिखा था, लेकिन चूंकि कोई टेक्निकल काम नहीं जानता था, लिहाजा ऐसा काम करने के सिवा उसके पास और कोई चारा ना था। जर्मनी में वो नया था। एक सिख के साथ उसने रिहायश अख्तियार कर ली और सिख भी उसके घरेलू हालात सुनकर उस पर बड़ा मेहरबान हो गया। दोनों ने आटे की मिल में ही काम किया। रशीद और राशिद दोनों ही खूबसूरत और दराज कद थे। आटे की उस मिल में एक जर्मन लड़की भी इंचार्ज और सुपरवाइजर की हैसियत से काम करती थी। मिल में रशीद इंतहा दर्जे का मेहनत करने वाला मजदूर ख्याल किया जाता था। जो काम दूसरे छोड़ देते थे वो भाग भाग कर कर लिया करता था। इसीलिए उसे पता था कि घर में उसकी 7 बहनें हैं, उन्हें उसने ब्याहना है। सारा नाम की वो लड़की उस मिल में सुपरवाइजर थी। वह उसकी मेहनत, उसकी भाग दौड़ से ऐसी मुतासर हुई कि उसे पसंद करने लगी। आखिर वक्त गुजरता गया, दोनों ने एक दूसरे पर अपनी पसंद का इजहार कर दिया। इसके बाद दोनों ने वहाँ शादी कर ली और रशीद सारा के फ्लैट में मुंतकिल हो गया। सारा के माँ बाप नहीं थे, वो अपने फ्लैट में अकेली रहती थी। सारा को रशीद के सारे घरेलू हालात का इल्म हो चुका था, लिहाजा दोनों मियाँ बीवी आटे की उस मिल से जो कुछ कमाते लाहौर कृष्ण नगर भिजवाते रहे। साथ ही साथ रशीद ने अपने माँ बाप को ये भी लिख दिया था तो वो जब तक जर्मनी में है वो उसकी बहनों की शादी कर दें, ये फिक्र ना करें कि मुझे शादी में शमूलियत करनी है। इस तरह सारा और रशीद दोनों ने मिलकर 7 बहनों की शादियां करा दी। जब रशीद इस फर्ज से सबकदोश हुआ तो उस वक्त तक सारा से उसका अपना एक बेटा भी हो चुका था जिसकी उम्र उस वक्त लगभग 2 साल की थी। 7 बहनों की शादियां कराने के बाद रशीद अपनी बीवी सारा से बात करके वतन आया। सारा ने उससे वादा किया कि इस बार वो अकेला हो आए, अगली बार वो खुद उसके साथ लाहौर जाएगी और चंद माह वहाँ क़याम भी करेगी। लिहाजा रशीद अकेला लाहौर आया। लेकिन रशीद की बदकिस्मती कि उसके जर्मनी जाने से पहले अपने रिश्तेदारों में एक लड़की से मंगनी हो चुकी थी। जब वो 7 बहनों की शादियां कराने के बाद वापस लाहौर घर आया तो जिस खानदान में उसकी मंगनी हुई थी वो जोर देने लगे कि अब काफ़ी इंतज़ार हो चुका रशीद, अब शादी हो जानी चाहिए। रशीद ने अभी तक अपने घर वालों पर यह इंकशाफ नहीं किया था कि उसने जर्मनी में शादी कर ली है। जब घर में उसकी शादी के लिए जोर दिया जाने लगा तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया। इस पर घर वाले बड़े परेशान हुए। उन्होंने रशीद को बड़ा समझाया, उसे इस बात पर मजबूर किया कि वो इतने सालों बाद आया है, अब अगर वो फिर शादी किए बगैर चला जाएगा तो मजीद इतने साल लगाएगा, तो इतने साल तो वो अपनी बेटी को बिठा कर नहीं रखेंगे। इन हालात से तंग आकर रशीद ने अपने माँ बाप और अजीज व अकारिब को हकीकत से आगाह कर दिया और साथ ही उसने ये भी कहा कि वो दूसरी शादी किसी सूरत नहीं करेगा। उसने अब अपने अजीजों को यह भी मशवरा दिया कि जिस लड़की की उसके साथ मंगनी हुई थी उस लड़की की शादी वो कहीं और कर दें। रशीद के इस इंकशाफ से उसके अजीज व अकारिब बहुत दिल गिरफ्ता हुए। उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाने का फैसला कर लिया। फिर एक रोज जबकि रशीद अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए उनके घर गया, उनके अजीज व अकारिब ने जिनके यहाँ रशीद की मंगनी हुई थी उन्होंने रशीद को कत्ल कर दिया। इधर सारा जहाँ इंतहा दर्जे की खूबसूरत लड़की थी ऐसी ही वो खूबसूरत भी थी। उसने खुद ही रशीद को घर जाने की इजाज़त दी थी और अब तक रशीद ने लाहौर में ही क़याम किया हुआ था। वो उससे बाकायदा ख़त और किताबत भी करती थी। रशीद का घराना चूंकि गरीब घराना था इसलिए यहाँ टेलीफोन की सहूलत नहीं थी, लिहाजा ख़त और किताबत के ही जरिए सारा ने उससे रब्ता किया हुआ था। जब रशीद को लाहौर में कत्ल कर दिया गया तो ख़त और किताबत का रब्ता मुनक़ता हो गया। इस तरह जर्मनी में सारा बड़ी परेशान और फिक्रमंद हुई। उसने रशीद को कई खतूत लिखे लेकिन एक ख़त का भी जवाब उसने नहीं दिया। इस तरह 6-7 माह गुजर गए, सारा परेशान हो गई। वहाँ जो दूसरे पाकिस्तानी काम करने वाले थे उन्होंने सारा को समझाया कि पाकिस्तानी अक्सर व बेशतर ऐसा ही करते हैं, बाहर शादियाँ कर लेते हैं, इसके बाद जब वतन जाते हैं तो भूल जाते हैं। लेकिन सारा को रशीद पर पूरा भरोसा था, उसने ऐसी किसी बात पर एतबार ना किया। उसने तहैया कर दिया कि वो हर सूरत पाकिस्तान जाएगी,
और देखेगी कि रशीद कहाँ है और क्यों लौट कर नहीं आया। लिहाजा वो जर्मनी से लाहौर के लिए रवाना हुई। जर्मनी से उन दिनों चूंकि लाहौर की डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी, लिहाजा वो पहले कराची आई। पहली बार वो चूंकि पाकिस्तान आई थी, अजनबी थी, लेकिन उसकी खुशकिस्मती थी कि कराची एयरपोर्ट पर उतरने के बाद उसका पाला एक इंतहाई शरीफ इंसान से पड़ा जो दोपहर की फ़्लाइट से लाहौर जा रहा था। उसके ज़रिए सारा ने अपने और बच्चे के लिए टिकट हासिल किया और इसके साथ वो लाहौर रवाना हो गई। वो शख्स ऐसा मेहरबान था कि एयरपोर्ट से वो सारा और उसके बच्चे को कृष्ण नगर रशीद के घर तक छोड़ने गया। सारा जब अपने बच्चे को लेकर अपने शौहर रशीद के घर में दाखिल हुई तो किसी ने उसे पहचाना ही नहीं, ना ही उसे कोई वहाँ जानता था। रशीद की बहनें अपने अपने घरों में थीं, रशीद का बूढ़ा बाप और माँ घर पर थे। सारा ने जब उन पर इंकशाफ किया कि वो रशीद की बीवी और ये उसका बच्चा है, तब उन्होंने उसका भरपूर इस्तकबाल किया। रशीद की माँ बेचारी सारा से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। शायद उसे अपना बेटा याद आ गया, लेकिन अभी तक उन दोनों मियाँ बीवी ने सारा पर यह इंकशाफ नहीं किया था कि रशीद को कत्ल कर दिया गया है। यहाँ हैरत अंगेज बात यह थी कि रशीद और राशिद दोनों जुड़वां भाई थे और उन दोनों की शक्ल कुछ इस तरह एक दूसरे से मिलती थी कि अक्सर और बेशतर उनके घर वाले भी पहचान नहीं पाते थे। और दोनों भाइयों में तमीज़ करने के लिए वो उनके कपड़ों में कोई ना कोई तब्दीली रखते थे ताकि दोनों भाइयों को पहचाना जा सके। जिस वक्त रशीद के माँ बाप सारा और उसके बच्चे का इस्तकबाल करने के बाद उसे ड्राइंग रूम में लेकर आए, बच्चों को रशीद की माँ ने अपनी गोद में बिठा रखा था। सारा उसके सामने बैठी थी। इस मौके पर रशीद का बाप उसकी माँ दोनों ने तहैया कर लिया था कि सारा पर यह इंकशाफ कर दिया जाए कि रशीद ने यहाँ आकर उसे बेवफाई नहीं की बल्कि उससे खतो किताबत इसलिए नहीं की कि जालिमों ने उसे कत्ल कर दिया। पर ऐन उस लम्हे उसका छोटा भाई राशिद ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। राशिद को देखते ही रशीद का बच्चा अपनी जगह से उठा और पापा पापा कहता वह उससे लिपट गया। उसने यही समझा कि वह उसका बाप रशीद है, इसीलिए दोनों भाइयों की शक्ल आपस में इतनी मिलती जुलती थी। इस मौके पर सारा भी अपनी जगह से उठी और मुस्कुराते हुए इंतहाई प्यार और मोहब्बत का इजहार करते हुए कहने लगी, आप कैसे हैं? सारा ने यही अंदाज़ा लगाया कि ये उसका शौहर रशीद है। रशीद और राशिद का बाप पढ़ा लिखा था, बड़ा दाना और बड़ा होशमंद था। उसने ये सूरत हाल देखी तो इस सूरत हाल को उसने संभालने का फैसला किया। उसने अपनी बीवी से कहा कि वो बच्चे को लेकर यहीं बैठे। हाथ के इशारे से उसने सारा को अपने साथ आने को कहा। सारा और अपने दूसरे बेटे राशिद को लेकर रशीद का बाप दूसरे कमरे में चला गया। वहाँ तीनों बैठ गए। फिर रशीद के बाप ने सारा को मुखातिब किया, सारा मेरी बेटी मेरी बच्ची, मैं तुम पर एक ऐसा इंकशाफ करने वाला हूँ जो यकीनन तुम्हारे लिए परेशान कुन और तकलीफ देह होगा। देख मेरी बेटी, ये मत ख्याल करना कि रशीद ने तुम्हारे साथ बेवफाई की है या यहाँ आकर उसने तुमसे खतो किताबत मुनक़ता कर दी। ये जो जवान तुम्हारे सामने बैठा है ये मेरा बेटा है, ये रशीद नहीं उसका छोटा भाई राशिद है। इस इंकशाफ पर सारा दंग रह गई। वो कुछ पूछना चाहती थी कि रशीद का बाप फिर कहता चला गया, मेरी बेटी, जर्मनी जाने से पहले रशीद की अपने अजीज़ों के यहाँ मंगनी हो चुकी थी, लेकिन रशीद ने चूंकि तुम्हारे साथ वहाँ शादी कर ली थी लिहाजा उसने यहाँ पर दूसरी शादी करने से इनकार कर दिया। उसे हमें आगाह नहीं किया था, जब वो यहाँ आया तब भी उसने हमें नहीं बताया। उसने तुम्हारे साथ शादी कर रखी है, लिहाजा जिन अजीज़ों अकारिब के यहाँ उसकी मंगनी हुई थी वो शादी पर जोर देने लगे, लेकिन रशीद ने इनकार कर दिया। आखिर में रशीद ने सब पर यह इंकशाफ कर दिया कि उसने जर्मनी में तुम्हारे साथ शादी कर रखी है और जर्मनी में उसका एक बेटा भी है, लिहाजा वो किसी और लड़की से शादी नहीं करेगा। इस बात का उन अजीज़ों ने ऐसा बुरा मनाया कि मौका जानकर उन्होंने रशीद को कत्ल कर दिया। इस बिना पर रशीद के साथ तुम्हारी खतो किताबत मुनक़ता हो गई। मेरी बच्ची, तुम्हारा शौहर रशीद इस वक्त इस दुनिया में ही नहीं है, जालिमों ने उसे कत्ल कर दिया है। रशीद के बाप के इस इंकशाफ पर सारा बेचारी फूट फूट कर रोने लगी थी। उसकी हिचकियां उसकी सिसकियां बन गई थी। फिर रशीद का बाप आगे पढ़ा, सारा को उसने अपने साथ लिपटाया, उसका सर अपने कंधे पर रखा, फिर उस रोती हुई आवाज में मुखातिब हुआ, मेरी बेटी मेरी बच्ची, मैं जानता हूँ कि इस इंकशाफ पर तुम्हें कैसा दुख हुआ है, कैसा सदमा पहुंचा है, पर यह भी तो सोचो मेरी बेटी कि रशीद के मरने पर हम पर क्या बीती होगी। वो मेरा बेटा था जिसे सोने में तोला जा सकता था। उसने अपनी मेहनत मुशक्क़त से अपनी सात बहनों की शादियों का अहतमाम किया, हालांकि ये काम मेरे लिए इंतहाई मुश्किल था। मेरी बच्ची, मेरी तो कमर ही टूट चुकी है। रशीद की माँ हर रात उसे याद करते करते रोती है। मेरी बेटी, यहाँ क़याम के दौरान अगर तुमने अपनी यही हालत बनाए रखी तो याद रखना रशीद की माँ का दिल फेल हो जाएगा।
और वो जी नहीं सकेगी। रशीद का बाप के समझाने पर सारा ने अपने आप को किस कदर संभाला। जब वो संभली, अपने हवास में आई, तो तब रशीद के बाप ने इंतहाई आजिज़ी से उसे मुखातिब किया, अगर तुम बुरा न मानो तो मैं तुम्हारे सामने एक तजवीज़ पेश करता हूँ। इस तरह रशीद के बच्चे को बाप की कमी महसूस नहीं होगी और तुम्हारे दिल को भी एक ढारस और तसल्ली मिल जाएगी। पर जो मैं कहने वाला हूँ उसके लिए वादा करो कि तुम इस बात का बुरा नहीं मानोगी। सारा रशीद के साथ रहने वाली रवानी से उर्दू बोलने लगी थी और साथ ही उसने इस्लाम कबूल कर लिया था। फिर बड़ी आजी और इंकिसारी में वो रशीद के वालिद को मुखातिब करके कहने लगी, आप रशीद के बाप की हैसियत से मेरे भी बाप हैं, आप जो भी बात कहना चाहते हैं फराख दिली से कहें, हिचकिचाइए नहीं। अगर वो बात मेरी तबीयत मेरे मिजाज के ख़िलाफ़ हुई तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि तब भी मैं उस बात का बुरा नहीं मानूंगी। मैं अब आपकी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगी, आप बिला झिझक कहें। सारा की इस गुफ्तगू से रशीद के बाप को किस कदर हौसला हुआ। फिर उसने कुछ सोचा और कहना शुरू किया, जो कुछ कहने वाला हूँ इसमें सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि रशीद के बेटे की भी बेहतरी है। इस तरह उसे बाप तुम्हें शौहर की कमी महसूस नहीं होगी। मेरी बेटी ज़रा अपने सामने बैठे राशिद की तरफ देखो। रशीद और राशिद दोनों जुड़वा भाई हैं। जिस वक्त ये पहली बार ड्राइंग रूम में आया था और जिस तरह तुमने अपनी जगह से उठकर इसका इस्तकबाल किया था, उससे मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि तुम इसे पहचान नहीं सकी। तुमने इसे अपना शौहर रशीद ही जाना था। मेरी बेटी क्या मैं झूठ कह रहा हूँ? जवाब में सारा के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। फिर वो कहने लगी, आपका कहना दुरुस्त है, मैंने वाकई रशीद ही समझी थी। और आपने मेरे बेटे अहमद को भी देखा है, वो कैसे इनकी तरफ भागा था और पापा पापा पुकारते हुए इनसे लिपट गया था। तो मेरी बेटी इन्हीं वजूहात के बिना पर मैं तुम्हारे सामने एक तजवीज़ रखता हूँ, अगर तुम इसे अपने लिए काबिल कबूल समझो तो इस पर अमल कर लेना, तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं है। रशीद के बाप ने बड़े गौर से सारा की तरफ देखते हुए कहा। थोड़ी देर वो रुका, उसके बाद उसने दोबारा कहना शुरू किया, मेरी बेटी जो बात मैं अब ये कहने लगा हूँ उससे तुम ये अंदाज़ा मत लगाना कि मैं किसी भी लालच के तहत ये बात कर रहा हूँ। जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ वो मेरी बेटी सिर्फ रशीद के लिए है। रशीद तो ख़त्म हो चुका, उसने ना हम वापस ला सकते हैं और ना ही उसे ज़िंदा कर सकते हैं, उसे दोबारा तुम हासिल नहीं कर सकती। मेरी बेटी अगर तुम चाहो तो तुम्हारा निकाह राशिद से पढ़वा सकता हूँ, इस तरह तुम्हारा इस घर से ताल्लुक भी कायम रहेगा, तुम्हारे होने की वजह से हमें रशीद की कमी महसूस नहीं होगी। राशिद के साथ रहते हुए तुम्हें रशीद की कमी महसूस नहीं होगी और फिर तुम दोनों मियाँ बीवी की हैसियत से जब रहोगे तो अहमद यहीं जानेगा कि उसका बाप जिंदा है। कहो मेरी बेटी, इस सिलसिले में तुम्हारा क्या ख्याल है? रशीद के बाप के इन अल्फाज के जवाब में सारा ने थोड़ी देर खामोशी अख्तियार की, फिर उसने अपनी गर्दन सीधी की और राशिद की तरफ देखते हुए कहने लगी, अगर इनकी मर्जी हो तो मैं तैयार हूँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं। सारा का ये जवाब सुनकर रशीद का बाप खुश हो गया। इस बार उसने आगे बढ़कर सारा की पेशानी पर बोसा दिया और फिर उसे मुखातिब करते हुए कहने लगा, मेरी बेटी तूने अपने जवाब से मेरा दिल खुश कर दिया। सुनो राशिद, इस सिलसिले में कोई एतराज़ नहीं होगा। जिस वक्त तुमने हमें अपना आखिरी खत लिखा था और यहाँ आने की इत्तला दी थी, उस वक्त मैं रशीद की माँ और राशिद तीनों ने मिलकर ये फैसला किया था कि सारा अगर यहाँ आती है और उसे रशीद के मरने की खबर होती है तो उसके सामने राशिद से निकाह की तजवीज़ पेश की जाएगी, अगर मान गई तो उसकी शादी हम राशिद से करा देंगे। मेरी बेटी इस सिलसिले में राशिद से पहले ही मशवरा कर चुका हूँ, वो तुम्हारे साथ शादी करने पर रजामंद है। इस सिलसिले में तुम्हें एक सहूलत भी होगी, अगर तुम राशिद को अपने साथ जर्मनी ले जाना चाहो तो उसके लिए तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, इसलिए कि रशीद और राशिद की अंग्रेज़ी स्पीकिंग तकरीबन एक ही है, दोनों की वल्दियत भी एक है, दोनों की शक्ल सूरत भी एक है। अगर रशीद के पासपोर्ट के साथ राशिद अपने शनाख्ती कार्ड पर भी सफ़र करना चाहे तो उसके लिए कोई कबाहत नहीं है, वो ऐसा कर सकता है इसीलिए कि दोनों भाइयों की शक्ल मिलती है। और अगर ये तुम्हारे साथ रशीद ही के पासपोर्ट पर शनाख्ती कार्ड पर सफ़र करता है तब भी इसमें कोई कबाहत नहीं है और कोई इसको नहीं पकड़ सकता, इसीलिए हम दोनों के नामों में भी बहुत कम फ़र्क रखा है। रशीद के बाप का ये इंकशाफ उसकी एक गुफ्तगू सारा के लिए मज़ीद तस्कीन और सुकून का बायस थी, चूँकि सारा राशिद के साथ शादी पर अपनी आमादगी का इजहार कर चुकी थी, लिहाजा सारा ने चंद रोज़ उस घर में क़याम रखा और इस दौरान उसकी और राशिद की शादी कर दी गई। इस तरह मज़ीद चंद रोज़ मियाँ बीवी की हैसियत से सारा और राशिद ने कृष्ण नगर में ही गुजारे। रशीद का बेटा जिसका नाम अहमद था राशिद को ही अपना बाप तस्लीम करने लगा। इस तरह चंद रोज़ तक कृष्ण नगर में रहने के बाद सारा अपने बेटे अहमद और शौहर राशिद को लेकर वापस जर्मनी चली गई। राशिद और सारा ने चंद साल जर्मनी में मियाँ बीवी की हैसियत से गुजारे। राशिद भी उससे मिल में काम करने लगा जिसमें उसका बड़ा भाई काम करता था।
ये सारी तफसील सारा ने उसको समझाती थी कि काम किस तरह से करना है। अब राशिद एक लिहाज से दो बेटों और एक बेटी का बाप बन गया था। बड़ा बेटा जिसका नाम अहमद था, जो हकीकत में उसके भाई रशीद का बेटा था, वो भी राशिद ही को रशीद समझे हुए अपना बाप ख्याल करता था। इस तरह वक्त गुजरता रहा। कई बरस राशिद वहाँ कामयाब जिंदगी गुजारता रहा और इस दौरान कई बार और ख़ुद सारा भी चक्कर लगा कर गए। वो यहाँ राशिद के माँ बाप और दूसरे अजीज़ व अकारिब से काफ़ी मानूस हो गई थी। फिर एक रोज़ जबकि राशिद मिल में काम पर गया हुआ था और उस रोज़ काम से सारा ने छुट्टी की, वो शॉपिंग के लिए अपने तीनों बच्चों को बाजार लेकर गई। उसी दौरान उनका एक्सीडेंट हुआ, तीनों बच्चे मौके पर ही हलाक हो गए। सारा इंतहा दर्जे की जख्मी हुई थी, उसे अपने बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। लिहाजा जिस वक्त अस्पताल में राशिद सारा की देखभाल कर रहा था तो सारा ने राशिद से ये अहद लिया था कि अगर वो मर जाए तो उसके और तीनों बच्चों की तदफीन का अहतमाम वो लाहौर में करे। इस तरह चारों लाशों को लाहौर ले जाया गया और वहीं पर दफनाया गया। अब इस वाक़े को भी कई साल बीत चुके थे और ये सारे वाक़यात प्लेटफॉर्म पर खड़े राशिद की आंखों में स्क्रीन पर तेज़ी से चलने लगे। जिस वक्त अहमद ने उसके कपड़े पकड़कर उसे पीछे से खींचा तो राशिद थोड़ी देर तक उसे अचंभेपन और परेशानी से देखता रहा। उसे अपनी आंखों पर एतबार नहीं आ रहा था कि उसका अहमद उसके पीछे खड़ा है। थोड़ी देर तक माजी के वाक़यात उसके सामने घूमते रहे, फिर उसे यकीन आ गया कि उसकी बीवी और तीनों बच्चे तो मर चुके थे। ये या तो कोई और बच्चा है जिसने गलती से अपने उसको बाप समझ लिया है। लेकिन जब उसे यह ख्याल आया कि किसी दूसरे बच्चे की शक्ल उसके बेटे अहमद जैसी कैसी हो सकती है, अपने ख्यालों से वो अहमद की तरफ मुड़ा। अहमद जिस वक्त मरा था तो उसकी उम्र लगभग 12 साल के करीब होगी और कोई बच्चा जिसने गलती से अपना बाप समझ लिया है, जब उसे यह ख्याल आया कि किसी दूसरे बच्चे की शक्ल उसके बेटे अहमद जैसी कैसे हो सकती है, तो इन्हीं ख्यालों में वो दोबारा अहमद की तरफ देखने लगा। बहरहाल राशिद मुड़ा और पूरी कुव्वत से उसने अहमद को अपने साथ लिपटा लिया। जिस वक्त उसने अहमद को अपने साथ लिपटाया वो दंग रह गया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसने बर्फ़ की किसी सिल को अपने साथ लगा लिया है। अब राशिद को एहसास हुआ कि ये मामला कुछ और ही है। उसे यकीन हो गया कि यह वाकई उसका बेटा अहमद है, लेकिन ये इस वक्त उसके जिस्म में नहीं बल्कि ये उसकी रूह है जो उससे मिल रही है। इस मौके पर राशिद ने अहमद को मुखातिब करके कुछ पूछना चाहा था कि अहमद बड़े प्यार से राशिद को मुखातिब करते हुए बोल पड़ा, पापा, अम्मी बहन और भाई बड़ी बेचैनी से इंतज़ार गाह में बैठे आपके मंतज़र हैं। आइए पहले उन्हें लेकर आते हैं, फिर इकट्ठे गाड़ी में बैठेंगे। अहमद के इन अल्फाज से एक बार फिर वो ख्यालों में खो गया। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसकी बीवी, उसकी बेटी फौजिया, उसका दूसरा बेटा हसन उसके इंतज़ार में इंतज़ार गाह में बैठे हैं, उसके मंतज़र होंगे। बहरहाल वो उनका बर्फ़ जैसा हाथ पकड़े जनाना इंतज़ार गाह के सामने खड़ा हुआ। अहमद को मुखातिब करके कहने लगा, बेटे जाओ अपनी मामा बहन और भाई को ले आओ, फिर इकट्ठे गाड़ी में सवार होते हैं। राशिद के इन अल्फाज से अहमद मुस्कुराता हुआ गया और इंतज़ार गाह में दाखिल हो गया। थोड़ी ही देर के बाद उसकी बेटी फौजिया, उसका छोटा बेटा हसन जागते हुए बाहर निकले। आते ही बुरी तरह वो उससे लिपट गए। वो बैठ गया था, दोनों को अपने साथ लिपटा लिया था। हैरत की बात थी कि अहमद की तरह वो भी ऐसे ही थे जैसे उन्होंने बर्फानी जिस्मों को अपने साथ लिपटा लिया हो। इतनी देर तक सारा भी बाहर आ गई। वही हुस्न, जैसे लाल बदशां, जैसे गुलाबी रंगों की हिलावत, उसके अनाप की कलियों से होंठों पर पहले जैसी रसीली मीठी फुहार का तबस्सुम। मामूल के मुताबिक उसके खुबरू बेकरां आंखों में राशिद के लिए वैसा ही मोहब्बत का खुमार था जैसा कभी हुआ करता था। वैसे ही जिंदगी से भरपूर शबाब गुलाब सा चेहरा पर उसके लबों के मरजान हरकत में आए और उसने सदाओं की नीलम उसकी समाज से टकराए। आप कैसे हैं? उसकी आवाज़ में बीते दिनों की महक, वसल लम्हों में डूबे दर्द, फरकत के पैवंद थे। उसके लहजे में शेरों का वजदान, तहरीक नगमा साज था। थोड़ी देर तक उसके सवाल का कोई जवाब न दे सका। बरसों बाद उसे अपने सामने मुजस्सम सूरत में देख रहा था। उसके हुस्न जमाल और रंग मोहब्बत के नक्शो नगार और रूहों की तवनाई बख्शने वाली आवाज़ में खो गया था। दोबारा उसने राशिद को मुखातिब करते हुए चौंका सा दिया, आप कैसे हैं? फिर राशिद के जवाब देने से कबल ही आगे बढ़कर उसने उसके दोनों हाथ थाम लिए। इस दौरान राशिद बोल पड़ा, अपनी खैरियत से उसे आगाह किया। फिर वो ठिठक गया, इसलिए कि जब उसने राशिद के हाथ अपने हाथों में लिए तो राशिद को ऐसा लगा जैसे उसके दोनों हाथों में किसी ने बर्फ डाल दी हो। राशिद ने अपने हाथ सारा के हाथों में ही रहने दिए।
छुड़ाए नहीं, पर जब उसने देखा किर्द गिर्द लोग आ जा रहे हैं और किसी की निगाह न पड़े, लिहाजा उसने सारा से कहा कि आओ बच्चों के साथ कुछ चीज़ें लेते हैं। सारा चुपचाप उसके साथ हो ली। उसके पास कोई सामान नहीं था, चारों बिल्कुल सफ़ेद चमकते हुए लिबास पहने हुए थे। सब इस तरफ चल दिए जहाँ किताबों की दुकान के करीब ही छोटा सा शॉपिंग सेंटर बना हुआ था। उधर जाते हुए अचानक उसे कुछ याद आया, ओह मैंने सारा और बच्चों की तरफ देखा, तुम चारों ये सामने दुकान की तरफ जाओ, मैं ज़रा मुल्तान फ़ोन कराऊँ ताकि उन्हें बता दूँ कि मैं अवामी से आ रहा हूँ, वो स्टेशन पर आकर मुझसे सामान ले जाएं। इस पर सारा ने फौरन उसे कंधे से पकड़ते हुए रोक दिया और वही मोहब्बत बिखेरती हुई आवाज़ में कहने लगी, आपकी आमद से पहले ही मैंने मुल्तान फ़ोन कर दिया था, आप उनका सामान लेकर अवामी से आ रहे हैं और मैं उन्हें ताकीद कर दी थी कि वो रेलवे स्टेशन पर आकर अपना सामान ले जाएं। सारा की इस गुफ्तगु से राशिद दंग रह गया। बहरहाल थोड़ी देर बाद उसने अपने आप को संभाल लिया। मैं जानता हूँ मेरी बीवी मेरे बच्चे मर चुके हैं और जो कुछ मैं देख रहा हूँ यह हकीकत नहीं है, ये उनकी रूहें हैं जो लम्हाती तौर पर उसके साथ चल रही हैं। अंदर ही अंदर वो ये दुआएं मांग रहा था कि काश खुदावंद कुद्दूस इन लम्हों को अबदी कर दे, वो अपनी बीवी अपने बच्चों के साथ अपनी मौत तक उनके साथ सफ़र कर सके। सारा की आदत थी कि जब कभी भी वो राशिद और बच्चों के साथ शॉपिंग के लिए जाती थी तो वो उसे पास पैसे नहीं रखती थी, सारे पैसे राशिद ही की जेब में डालती थी, फिर उसकी जेब से निकाल कर वो जो चीज़ें ख़रीदना होती थी अदायगी करती रहती थी। रेलवे स्टेशन की दुकान पर जब वो गए तो बिल्कुल अपने मामूल के मुताबिक वो राशिद की जेबों से पैसे निकाल कर अदायगी करती रही, खुद ही सारा सामान उसने ख़रीदा, मिनरल वाटर की 4 बॉटल्स, इसके अलावा ज़्यादा चीज़ें उसने मेरी पसंद की ख़रीदी, जो जो बच्चे फरमाइश करते रहे वो मुस्कुराते हुए ख़रीदती रही। जब वो वहाँ से फारिग हुए तो गाड़ी में आकर बैठ गए, वो लोअर एसी का डिपार्टमेंट था, 6 की 6 सीटें उन्हीं के नाम पर बुक थी, 2 सीटें राशिद के नाम पर थी, 1 सारा और 3 बच्चों के नाम पर थी। इस तरह नीचे ऊपर आमने सामने की बर्थें उन्हीं के पास थीं। सामान रखने के बाद कुली अभी तक उन सामान ही के पास खड़े थे। राशिद ने उन्हें अदायगी करके फारिग कर दिया। वह सारा और बच्चों को सारी नशिस्तें समझाईं। इस दौरान डब्बा तकरीबन भर चुका था। सारा चूंकि खूबसूरत थी, गैर मुल्की थी, लिहाजा आने जाने वाला हर कोई उसे बड़े गौर से देख रहा था। बच्चे भी गैर मुल्की ही लगते थे, लिहाजा वो भी आने जाने वाले मुसाफिरों की निगाहों का मरकज बने हुए थे। ये सूरत हाल देखते हुए बेटा अहमद और बेटी फौजिया ये दोनों हरकत में आए। सामान में उन्होंने एक चादर निकाली और दोनों बहन भाइयों ने अपने सामने बांध दी। इस तरह उनका पर्दा हो गया। थोड़ी देर बाद गाड़ी चल पड़ी। वो अजीब सा महसूस कर रहा था। उसकी बीवी, उसके बच्चों को तो मरे हुए 4-5 साल बीत गए थे। वो उनकी मोहब्बत, उनकी चाहत को अपने दिल से निकाल नहीं सका था। तहम जख्म आहिस्ता आहिस्ता मुंदमिल होना शुरू हो गए थे। अब जबकि उसकी सारा और बच्चे उसके साथ थे तो पुरानी यादें फिर कूद कर उसके जहन में रक्स करने लगीं। शहर के अंदर से उसे पूरी रफ्तार से गुजरती हुई गाड़ी महसूस हो रही थी। वो आंखें बंद किए खुदावंद कुद्दूस से दुआ मांग रहा था कि या अल्लाह ये जो गाड़ी सफ़र करने में है ये अबदी और दायमी हो जाए, गाड़ी उड़ी सारी उम्र ऐसे ही निकल जाए और वो यूं ही सारा और अपने बच्चों के साथ सफ़र करता रहे और उनके साथ सफ़र करते करते अपनी ज़िंदगी तमाम कर दे। वो अजीब सा समा था, आंखें बंद किए गिड़गिड़ाते हुए अपने खुदावंद के हुजूर दुआ मांग रहा था। चारों तरफ उसे जैसे ज़िंदगी नज़र आ रही थी। गाड़ी भागते ही छोटे मोटे स्टेशन पर तूफान की तरह से गुजरती जा रही थी। वो बच्चों में घुल मिल सा गया था। उसे ये वक्त बहुत अच्छा लग रहा था। पहले पहले वो अचानक चारों से दागे मफारकत देकर गायब हो सकते थे। उसे अपने जहन में यह भी ठान लिया था कि इन चारों के उसके पास मौजूदगी ऐसे ही है जैसे वो किसी वहमो गुमान में हो, जैसे वो कोई अनजाना सा नाआशना सा ख्वाब देख रहा हो। इसी बिना पर वो उनकी मौजूदगी से ज़्यादा लुत्फ़ानंदोज़ होना चाहता था। जब वो सब अहले खाना जर्मनी में अपने फ्लैट में रहा करते थे तब वो लूडो बहुत खेला करते थे। बस रोज़ भी लूडो उसके सामान में मौजूद थी। उसके जहन में अभी यह ख्याल आया ही था कि बच्चों और सारा के साथ बैठकर लूडो खेलनी चाहिए। सारा खुद ही सामान खोलने लगी। ऐसा लगता था जैसे वो राशिद के सामान की एक एक चीज़ से वाकिफ हो। फिर राशिद की हैरत की इंतहा न रही। जो सामान उसने मुल्तान देना था वो सारा ने खुद ब खुद एक तरफ कर दिया और कहने लगी, मुल्तान वालों का सामान भी मैंने एक तरफ कर दिया है, अपना सामान मैंने एक तरफ रख दिया है ताकि जब मुल्तान आए तो सामान देने में हमें कोई दिक्कत ना हो। वो दिल ही दिल में ये गुमान कर रहा था कि आखिर इसे कैसे पता चला कि हमारा कौन सा सामान है और मुल्तान में हमें कौन सा सामान देना है।
वो इन्हीं ख्यालात और इन्हीं गुमानियों में गलता था कि सारा ने इतनी देर तक लड्डू निकाल दी। फिर नीचे ऊपर किसी अटैची उन्होंने दोनों सीटों के दरमियान रखे। उसके ऊपर उन्होंने बड़े साइज का लूडो जमाया। छोटा बच्चा हसन सारा के पहलू में बैठ गया। सारा और राशिद आमने सामने थे। फौजी और अहमद एक दूसरे के आमने सामने बैठ गए और यूं वो लूडो खेलने लगे। हैदराबाद से पहले एक टिकट चेक कर आ गया। टिकट चेक करने के बाद उसने राशिद से बड़ी नरमी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आपके पास एक सीट फालतू है, इस पर आप एक साहब बिठा लीजिए, वो रोड़ी जाकर उतर जाएंगे। वो समझ गया था कि या तो वो गार्ड का आदमी होगा या पुलिस का आदमी होगा और इससे वो पैसे लेकर उनकी सीट पर बिठाना चाहता होगा जो हमने फालतू की थी। राशिद ने चेकर से कहा कि हमारे पास कोई फालतू सीट नहीं है, छह की छह हमारे नाम पर रिजर्व है। राशिद के इस इंकशाफ पर चेकर बड़ी मकरू हंसी हंस दिया और कहने लगा, मैं जानता हूँ आप पांच अफराद हैं, छह सीटें आपने बुक करवाई हैं, हो सकता है आपने एक सीट सामान के लिए रिजर्व करवाई होगी, आपका सामान सीटों के नीचे रखा है। बहरहाल आप एक शख्स को बिठा लीजिए, कोई हर्ज नहीं है। चेकर के बदलते हुए लहजे को देखकर उसने साफ इनकार कर दिया। थोड़ी देर तक खामोशी और तंजिया अंदाज में गार्ड राशिद की तरफ देखता रहा। जब उसने देखा कि राशिद मानने वाला नहीं है तो वो चला गया। थोड़ी देर बाद गार्ड फिर आ गया, उसके साथ एक पुलिस वाला था। पुलिस वाले ने आते ही पर्दा हटाया। पुलिस वाला लहजा इस्तेमाल करते हुए कहने लगा, आप लोगों के पास एक सीट फालतू है, एक साहब को यहाँ बिठा लीजिए, रोहड़ी तक जाएंगे। राशिद अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी सीटों पर किसी को बिठाने से साफ इनकार कर दिया। पुलिस वाला भी उलझा और तड़ी जमाने के मूड में आ गया। उसके तेवर बता रहे थे कि वो पुलिस मैनशिप का मुजाहरा करने वाला आदमी है। गार्ड जरा पीछे हटकर खड़ा हो गया। राशिद को इस बात का भी बड़ा दुख और गुस्सा था कि पुलिस वाले ने सामने पर्दा जो उसकी बेटी और अहमद ने बांधा था उसे उठाकर उसने अंदर आने की जुर्रत कैसे की। पुलिस वाला अभी इसी मूड में ही था कि एक और इनकलाब रूनुमा हुआ। अब तक सारा बिल्कुल चुपचाप और खामोश बैठी थी। जिस वक्त पुलिस वाला उलझने लगा उसने अंदर आने की कोशिश की, दूसरी तरफ उसी लम्हे सारा की आंखों से ऐसी रोशनी फूट रही थी कि पुलिस वाले को भस्म करके रख दे। पुलिस वाला खौफजदा सा होकर वहां से चला गया। इसके बाद कोई भी उनके पास सीट का मुतालबा करने नहीं आया। फाजी और अहमद ने एक बार फिर सामने वाला पर्दा दुरुस्त कर दिया। यूं उनका सफर फिर जारी रहा। हैदराबाद आया तो लूडो से हाथ खींचते हुए राशिद ने सारा की तरफ देखा, फिर कहने लगा, मेरे ख्याल में बच्चों के साथ चाय पीते हैं। लूडो को सीट पर एक तरफ रखते हुए उसने फौरन सामान के अंदर से थर्मास निकाल लिया। सारा की इन हरकतों से जहां राशिद परेशान और फिक्रमंद सा हो रहा था, वहां वो खुश भी था। कभी कभी उसे ये गुमान भी होने लगा था कि सारा अब उसके साथ बच्चों को लेकर घर जाएगी, उसके घर वाले उन सबको देखकर कितना खुश हो जाएंगे। हो सकता है सारा इसी हालत में फिर उसके साथ उसके घर में रहना भी शुरू कर दे। लेकिन कभी कभी जब उसके जहन में ये भी ख्याल उठते थे कि हो सकता है कि रात के वक्त जब कहीं उसकी आंख लग जाए तो सारा बच्चों समेत गायब हो जाए। बहरहाल वो इन्हीं तफक्कुरात में डूबा हुआ था कि सारा ने थर्मोस निकाल कर उसे थमा दिया। जब वो उठने लगा तो बच्चे जिद करने लगे कि वो भी नीचे प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, वो जब उनके साथ लेकर बाहर निकलेगा तो सारा अपने मामूल के अंदाज से मुखातिब करके बच्चों का ख्याल रखिएगा कहने लगे। ये सारा अक्सर उस वक्त कहा करती थी जब वो बच्चों को घर से बाहर लेकर जाया करता था। बहरहाल बच्चों को लेकर वो हैदराबाद के प्लेटफॉर्म पर उतरा। बच्चों ने अपने लिए प्लेटफॉर्म के सामने बुक स्टॉल से छोटी छोटी किताबें खरीदी। इसके अलावा भी उन्होंने कुछ सामान वहाँ से खरीदा। उन्हें साथ लेते हुए उसने चाय का थर्मोस भर लिया, कुछ हल्की फुल्की खाने की अशिया भी ली। सारा सामान खरीदते हुए गाहे बगाहे मुड़ मुड़ कर अपने कंपार्टमेंट की तरफ देख लेता। लोअर एसी के शीशे में से पर्दा हटाकर सारा की निगाहें उसी पर जमी हुई थी। शीशे में से वो उनका चेहरा देख सकता था। सारा सामान खरीदने के बाद वो दोबारा गाड़ी में सवार हो गए और गाड़ी एक बार फिर चल पड़ी। गाड़ी फासलों को समेटती हुई भागती चली जा रही थी। यहाँ तक कि नवाबशाह का स्टेशन जब आया तो डाइनिंग कार वाले के खाने की सदाएं आने लगी। ये सदाएं सुनते हुए सारा के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। इसीलिए कि अक्सर व बेशतर जब कभी वो जर्मनी से पाकिस्तान आया करती थी तो राशिद से ट्रेन में सफ़र करने की फरमाइश किया करती थी। जिस वक्त खाने वाले सदाएं लगा रहे थे, सारा ने खुद ही अपने बच्चों और राशिद के लिए खाना मंगवाया था। राशिद उसे अजीब से अंदाज में देखे जा रहा था। उसके दिल में उसके जहन में ये वसवसे और ख्याल भी घूमने लगे कि कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी में उसकी आंखें बंद हो और सारा बच्चों समेत उसकी निगाहों से ओझल हो जाए। गो के उसने गुज़िश्ता शब जहाज के अंदर भी नींद नहीं ली थी, उसकी आंखें बोझल हो रही थी, लेकिन वो सोकर बीवी और बच्चों को खोना नहीं चाहता था। वैसे उसके जहन में ये बात भी थी कि चूंकि वो असल नहीं है, उनके साथ उनकी रूहें सफ़र कर रही हैं, लिहाजा किसी भी लम्हे
उसकी निगाहों से ओझल हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपने दिल अपने जहन को ये तसल्ली और तशफ़ी दिए हुए था कि इससे ज़्यादा उनकी सोबत से लुत्फ़अंदोज होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ सफ़र करना चाहिए। वो ये भी सोच रहा था कि अगर सारा और बच्चे घर तक उसके साथ गए तो ये एक अजीब सा और नया तजुर्बा होगा। वो ये भी उम्मीद लगाए बैठा था कि चूंकि अब वो घर में अकेला रहता है, हो सकता है सारा इसी तरह बच्चों के साथ दोबारा उसके साथ रहना शुरू कर दे, हो सकता है आने वाली ज़िंदगी के जो दिन हैं वो सारा के साथ सुकून के साथ गुजर जाएं। लेकिन ये सारे वहम थे, ख्याल थे, क्या होने वाला है वो कुछ नहीं जानता था। बहरहाल पांचों ने मिलकर खाना खाया। जब खाने वाला बर्तन लेने आया तो सारा ने खुद ही राशिद की जेब से पैसे निकाल कर उसे दिए, उसे कुछ जायद पैसे भी दिए। गाड़ी फिर भागती रही यहाँ तक कि वो रोड़ी स्टेशन जा पहुँचे। रोड़ी स्टेशन पर सूरज गुरूब होने के करीब पहुँच गया, हल्की हल्की तारीकी ताँक झाँक करने लगी। रेलवे स्टेशन पर बल्ब और ट्यूबलाइट्स जल गईं। गाड़ी जब रुकी तो बच्चों ने नीचे उतरकर प्लेटफार्म पर जाने का तकाजा किया। इस मौके पर सारा भी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई, राशिद की तरफ देखते हुए कहने लगी, मैं भी नीचे जाऊंगी। इस मौके पर राशिद कुछ ठिठक सा गया। एक तो इस तरह की सारा गैर मुल्की यानी जर्मन थी, खूब दराज कद और खूबसूरत थी। जब वो प्लेटफार्म पर जाएगी तो सब लोगों की निगाहें उस पर जम जाएंगी। इसके अलावा सारा और बच्चे चूंकि हकीकी मायनों में वो नहीं थे बल्कि रूहें थी, लिहाजा राशिद को ये भी खदशा था कि कहीं प्लेटफॉर्म पर उनका ये भेद न खुल जाए, वो मुजस्म जस्म नहीं बल्कि रूहें हैं और ये उनकी निगाहों से अचानक ओझल ना हो जाए। ताकि वो एक तरह से मुतमईन भी था इसलिए कि पीछे जब पुलिस वाला ज़बरदस्ती उनसे सीट लेने आया था तो जिस अंदाज में सारा ने उसकी तरफ देखा था पुलिस वाला खौफजदा होकर भाग खड़ा हुआ था। इस तरह से राशिद को इत्मीनान भी था कि अगर वो नीचे उतरते हैं तो ऐसा कोई हादसा रूनुमा नहीं हो सकेगा। सारा के कहने पर वो सबको लेकर नीचे उतरा। थोड़ी देर तक प्लेटफॉर्म पर वो टांगें सीधी करने के लिए चहलकदमी करते रहे। गाड़ी काफ़ी देर रुकी थी, वहाँ उन्होंने छोटी मोटी शॉपिंग भी की, खाने का सामान खरीदा, खजूरें भी ली। इसके बाद गाड़ी जब चली तो वो सवार हुए, फासले फिर सिमटने लगे। रात के वक्त जब वो मुल्तान पहुँचे तो राशिद नीचे उतरा। जिन लोगों ने सामान लेना था वो भी स्टेशन पहुँच चुके थे। राशिद की हैरत उस वक्त इंतहा न रही जब सारा ने दो कुलियों को बुलाया और उनके जरिए उसने वो सामान अपने आप नीचे भिजवाना शुरू कर दिया जो मुल्तान वालों को देना था। इस तरह मुल्तान में देने वाला सारा सामान नीचे भिजवाकर सारा बच्चों को लेकर अपनी नशस्तों पर बैठी रही। ताहम राशिद मुल्तान से आने वालों के साथ प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर गुफ्तगू करता रहा। इस मौके पर कंपार्टमेंट की तरफ देखते हुए राशिद हल्के हल्के मुस्कुरा रहा था, इसीलिए उसने देखा कि शीशे में से सारा और बच्चों की निगाहें बराबर उस पर जमी हुई हैं। कुछ इस अंदाज से जैसे डब्बे के अंदर रहते हुए भी वो उसकी हिफाजत का सामान किए हुए हो। मुल्तान से गाड़ी फिर चल पड़ी। डब्बे के सारे लोग गहरी नींद सोए हुए थे, कोई इक्का दुक्का लोग जाग रहे थे, पर राशिद आंखों में नींद भरी होने के बावजूद अपनी बीवी और बच्चों के साथ जाग रहा था। बच्चे भी उसके साथ जाग रहे थे, उसकी निगाहों में दूर दूर तक नींद का कोई शायबा ना था। राशिद भी ज़बरदस्ती अपने आप पर जबर करते हुए उनका साथ दे रहा था। गाड़ी ने जिस वक्त उकाड़ा रेलवे स्टेशन क्रॉस किया तब राशिद ने सारा के अंदर एक तब्दीली महसूस की, वो कुछ उदास और अफसरदा होने लगी थी। ताहम राशिद सारा और बच्चों के साथ महवे गुफ्तगू रहा। जब लाहौर रेलवे स्टेशन करीब आया तब राशिद चौंक पड़ा, उसने गौर से सारा की तरफ देखा। उसकी हालत अक्सर बदल रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसके एहसास की महक जिस बात की शगुफ्तगी और सारी निशात व अम्बात की तरह बिना किसी ने छीन ली हो। वो राशिद के साथ गुफ्तगू तो कर रही थी, दिलचस्पी भी ले रही थी, पर उसकी गुफ्तगू से उसकी हरकत से यह साफ जाहिर हो रहा था जैसे किसी अनदेखी अनजानी क़ुव्वत ने उसके इसरार हस्ती का इरफान, उसकी रूह की नगरी, उसके जिस्म की तवनाई और गुफ्तगू का हुस्न व जमाल उससे छीनना शुरू कर दिया हो। जब लाहौर रेलवे स्टेशन पर रुकने के लिए गाड़ी आहिस्ता हुई तब सारा दुख भरी दास्तानों के बिखरे औराक, मौजों के सीनों पर डूबती हुई कश्तियों जैसी वीरान गिरते पत्तों की हयात जैसी उदास और तूफानों से दो चार होते वक्त के थके थके किस्सों जैसी अफसरदा होकर रह गई थी। सारा की यह बदलती हालत देखते हुए राशिद बेचारा भी बड़ी तेज़ी से वीरान होना शुरू हो गया। उसने ये भी देखा सारा के होंठों की सुर्खी उसकी आँखों के काजल में कशिश उड़ने लगी। वो अब भी गुफ्तगू कर रही थी लेकिन उसके अल्फाज के तिलस्म में पहले जैसे नगमों की जल तरंग ना थी। उसका
بلورین جسم رات کو ڈوبتے رازدار چاند کی طرح کپ کپا رہا تھا. اس کے احساسات میں پہلے جیسی عنایت نہیں تھی. بڑی تیزی سے وہ بیچاری کسی اندیکھی دل گرفتگی نہ آسودگی سے شعور کا کچھ اس طرح شکار ہوتی جا رہی تھی جیسے کہ اس کی پرواز ختم ہونے والی ہو, جیسے اس کی رفتوں کی انتہا ہونے والی ہو. سارا کی طرح بچوں کی حالت بھی ایسی ہی تھی. ان تینوں کے چہروں پر بھی ویرانیاں تھیں, بالکل ایسے ہی جیسے کسی کا کوئی بہت عزیز بہت پیارا ان سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہا. آخر ایک جھٹکے کے ساتھ ریلوے اسٹیشن پر جب گاڑی رکی تب سارا نے مردہ سی زبان میں راشد کو مخاطب کیا, آپ کوئی مناسب سے دو کلی پکڑ لائیں, میں اتنی دیر تک سامان دروازے کے قریب لے کر آتی ہوں. ڈبے میں جس قدر مسافر تھے وہ بڑی تیزی سے اترنے لگے. راشد کچھ دیر تک سارا اور بچوں کے قریب ہی کھڑا رہا. وہ ان سے دور نہیں جانا چاہتا تھا, وہ انہیں کھونا نہیں چاہتا تھا, پر سارا کے کہنے پر وہ باہر نکلا, دو کلیوں کو بلایا. جب وہ ڈبے میں داخل ہوا تو دنگ رہ گیا, نہ وہاں سارا تھے نہ بچے. سامان سارا دروازے کے پاس بڑی ترتیب سے رکھا ہوا تھا. تب اسے یقین ہو گیا کہ یہ قدرت کی اس پر کوئی خاص مہربانی تھی جو اتنے عرصے کے بعد اس کے پیاروں کی اس سے اس طرح ملاقات ہوئی, گو کہ تھوڑی دیر کے لیے ہوئی, گو کہ تشنگی رہ گئی, لیکن اس کے باوجود بھی ان سے ملاقات اس کے لیے زندگی بھر کے لیے کافی تھی. اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے. اور ہاں, اگر آپ کے کسی دوست رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے.